आपका क्या नाम है आप कहां से मोहन शुक्ला बस्ती से जी पहली बार अयोध्या आए हैं पहली बार? नहीं नहीं हर हफ्ते आते रहते हैं लगभग कितना अंतर लगता है पहले के अयोध्या बस जान लीजिए कि स्वर्ग सी अयोध्या हो गई है स्वर्ग सी हमारी अयोध्या नगरी हो गई है और बहुत अंतर हो गया आज लग रहा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम स्वयं विराजमान हो गए हैं और उनके आशीर्वाद से वो खत्म हो गया है और अभी ये सिर्फ अयोध्या तो झांकी ही है काशी मथुरा बाकी नहीं रहने देंगे वो भी हमारा ही है उसको भी लेकर रहेंगे लेकिन कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि जितना पैसा अयोध्या में लगाया मंदिर पे उससे उससे बढ़िया तो हॉस्पिटल या कहीं स्कूल बना ले मैं आपको इसका जवाब देता हूँ मैं आपको इसका जवाब देता हूँ अयोध्या ही नहीं जितने ही कहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हो महावकाल कॉरिडोर हो रिलीजियस टूरिज्म ये एक ऐसा शब्द है जो आने वाले समय में पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को दस ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचा देगा और रिलीजियस टूरिज्म का अगर भारत भारत सरकार इस समय इसको लगा के इन्वेस्ट कर रही है रिलीजियस टूरिज्म का हॉटस्पॉट बना रही है बड़े बड़े सेंटर्स को 80 करोड़ भारत में हिंदू रहते हो कहाँ जाएंगे अपने धार्मिक जगहों पे जाएंगे हम किस ज, ज, जिस प्रकार से भी आपने देखा होगा कि हम मालदीव छोड़ कर लक्ष्यद्वीप का प्रचार मोदी जी कर रहे हैं हम उसी प्रकार से हम तमाम ऐसे रिलीजियस सेंटर्स हैं जहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ने में अक, की अपार संभावनाएँ हैं उसमें अयोध्या भी उसमें सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे आने वाले समय में एक दिन में दो लाख श्रद्धालु आएंगे कितने लोगों को यहाँ रोजगार के अवसर मिलेंगे साधन मिलेंगे इसकी कल्पना कीजिए और हिंदू जितने भी अस्सी करोड़ हिंदू जो आज पाँच सौ वर्षो से इंतजार कर रहे थे कि हमारे प्रभु श्री राम श्री राम का भव्य मंदिर बने विराजमान हो और वो सपना आज बाईस जनवरी को जनवरी को पूर्ण होने वाला आपका क्या नाम है राजेश कुमार से आप बस्ती से बस्ती से आप पहले के अयोध्या अयोध्या और आपके में कितना अंतर देखते हैं अंतर तो बहुत है हुँ। हुँ। तो फिर क्यों विपक्ष की पार्टी इसको नकार आ, नकार रही है विपक्ष वाले करेंगे क्या और उनके पास काम ही नहीं है कोई यही काम है जो हॉस्पिटल का आपने कहा है हॉस्पिटल है।, हाँ। है कार सेवकों का कितना बड़ा योगदान देखते हैं कार सेवकों का सबसे मुख्य योगदान है तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे कि कार सेवक ने उस टाइम अराजकता फैलाई थी स्वामी प्रसाद मौर्य खुद एक अराजक तत्व भारतीय राजनीति के हैं दूर नहीं है रायबरेली से सोनिया गांधी बिहारेंगी ये लिख लीजिए मेरे शब्दों को अमेठी से जैसे पिछली बार गए थे तो वायनाड पहुंच गए थे इस बार रायबरेली से जाएंगे तो गांधी परिवार कांग्रेस से खत्म है ये समझ लीजिए और कोई विकल्प नहीं है इन लोग देश इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है कोई मुद्दा ही कोई खत्म हो, गया।, इनके लिए हो लिए गया सरकार जो है सरकार को क्यों नहीं लाती है? ऐसे लोग जो हमारे धर्म के खिलाफ जहर उगलते हैं रामायण फाड़ते हैं राम को गाली देते हैं काल्पनिक बताते हैं राम और सीता को इनके विरुद्ध कोई अध्यादेश को ला कानून क्यों नहीं बनाते कि इनको बिल्कुल हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाए क्यों राजनीतिक आरोप तरफ चल रहा है इसमें उनका कहना यह है की ये आर एस एस और वो कुछ भी हो अगर अभी मोदी जी को योगी जी को कोई गाली दे दे तो उस तो तुरंत लग जाएगा लेकिन हमारे राम को कोई गाली दे रहा है ये बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं सब लोग ये क्यों बर्दाश्त अच्छा करते हैं सब लोग अच्छा यह नहीं कहते हमारे राम को गाली ना दे हम कहते किसी धर्म को हिंदुस्तान में गाली नहीं देनी चाहिए कोई भी धर्म हर धर्म एक है ईश्वर तो एक है तो सम्मान सबका होना चाहिए धर्म के लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से मंदिर तोड़कर मस्जिद असंभव है असंभव है असंभव हिंदुस्तान में अब अब तक जो हो गया हो गया अब हम गुलाम नहीं रहे हमारी सैकड़ों पीढ़िया ऐसे तबाह हो गई दे, देखते देखते बर्बाद इन लोगों ने मंदिर तोड़ डाला हम लोग ऐसे देखते रह गए क्योंकि उस समय हमारे पास राजनीतिक सत्ता नहीं थी लेकिन अब हम भारत के हिंदू अब जागृत हो चुके हैं राजनीतिक सत्ता का हम लोग भरपूर लाभ ले रहे हैं और किसी दम नहीं है कि वो आके राम मंदिर को तरफ आंख उठा के भी देख सके अमन पांडे नाम है हमारा बस यही कि अपना जो राम के नाम का नहीं वो किसी काम का नहीं हम पढ़े नगर जिला से हैं, अवध के क्षेत्र से ही समझिए आपको पहले के अयोध्या में क्या अंतर दिया? बहुत अंतर है अभी बीस दिन पहले ही आया था तमाम कार्य चल रहे थे आज फिर आया हूँ मैं देख रहा हूँ सारा चीज बदल रहा है पूरा और एक यहाँ पे ये प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भी है तो और आनंदित होना है अपने ग्राम जो है यहा, यहाँ पे आ सकते हैं तो ठीक है नहीं आ सकते हैं तो अपने गांव में मनाइए हर एक चीज पाँच सौ साल बाद प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भव्य तरह से मनाएंगे हाँ। लेकिन जैसे कुछ समुदाय के लोग कह रहे हैं का भी बयान आया था कि बीस से लेकर छब्बीस तक कोई मुसलमान बाहर ना निकले क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो वो तो उनकी आपसी मामला है हम सबका सम्मान करते हैं हमने कोई आपसी जबरदस्ती या कोई चीज़ से नहीं बनाया हम तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना रहे हैं अगर किसी को कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति खुद जाहिर कर सकते हैं अगर समाज में मतभेद पैदा करेंगे तो उसका जिम्मेदारी प्रशासन उनका अच्छी तरह से खातिरदारी करेगी वो अपना स्वयं जिम्मेदार होंगे किसी तो को ऐसा बयान करना ही नहीं चाहिए क्योंकि जो है यहाँ जो राम मंदिर के खास मुद्दई हासिम अंसारी इकबाल अंसारी जो थे वो खुद आ रहे हैं इसमें उनको न्यौता मिला है बाकायदा वो आ रहे हैं तो ऐसे बयान उनको ऐसा बेतुका बयान देना ही नहीं चाहिए जो कि औलादे हैं जो अपने उनसे जोड़ रही हैं वही इस चीज़ पे उठा रहे हैं बाकी कोई मुसलमान इस पे मुद्दा नहीं उठा रहा है जो अपने समझते हैं कि मुग़ल से हम लोग उनकी औलादे हैं उनके जोड़ रहे हैं वही इस चीज़ पे मुद्दा उठा रहे हैं बाकी और कोई मुस्लिम इस चीज़ पे नहीं है ये सब जो वो गलत सोच रहे हैं हम लोगों की आस्था से खेलने का विश्वास था उनको लेकिन मोदी जी के होते हुए विश्वास नहीं चढ़ा जाएगा और राम जी हमारे थे जब तक सनातन अब सबसे बड़ी चीज है जो विपक्ष है विपक्ष ने घबराहट है घबराहट इसलिए है क्योंकि सारा सनातन एक हो गया उसमें कोई कास्ट महत्व नहीं है अब उनको लगता है कि हम राजनीति नहीं कर पाएंगे वोटों की वो सुबह टोपी वाले को ढूंढना है खाली और वो टोपी वाले को बचाने के चक्कर में अपने यादव जी को भी खो रहे हैं जो बहुत से लोग यादव के ऊपर उंगली उठा रहे हैं यादव भी सनातन है वो कोई पाची से लेना देना नहीं है हम लोग बच ये भगवान मैं जय श्री राम राधे क्या नाम है क्या नाम है आपका रजत मिश्रा भैया उन्नाव से उन बहुत बहुत सुंदर है बहुत अलौकिक दृश्य है आज हम लोग यहाँ पे पहले आए हमने कहा जरा पहले घूम करके देखें उस दिन तो पता नहीं मौका मिले ना मिले हम लोगों को जो है दर्शन करने का तो हम लोग पहले ही दर्शन कराएं जा करके भगवान श्री राम जी के लंबे समय से इंतजार चल रहा था और मोदी जी की वजह से आज ये इंतजार पूरा हो गया है जनता का अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है जैसे कि पूरे देश में खुशी की लहर है लेकिन पॉलिटिक्स चल रही है कांग्रेस सपा जी नहीं आ रहे हैं न्योता गया है पहले रो रहे थे कि न्योता नहीं गया अब अब रो रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि आर एस मेरे हिसाब से, ये साथ ये। साथ से ये जो है ये एक धर्म का कार्यक्रम है इसमें न्योते का किसी को इंतजार नहीं करना चाहिए और जब को जब जिसको मौका मिले तब आना चाहिए ये भी कोई जरूरी नहीं कि अब हम पहले आ गए हम बाईस को नहीं आ रहे हैं तो अब इसमें यह नहीं कहना चाहिए कि नहीं जो है आमंत्रण नहीं मिला और आमंत्रण मिला है बहुत से हमारे घर का कार्यक्रम होता है तो बहुत से रिश्तेदार आज आ पाते हैं बहुत से नहीं आ पाते हैं तो ये तो देखिए अलग चीज़ मुद्दा है हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं राजनीति का विषय अलग है और धर्म का विषय अलग है तो खुशी की बात यह है कि जो लंबे समय से जो है हिंदू हिंदुओं को जो इस चीज़ का इंतजार था आज वो क्षण आ गया है और बाईस तारीख को भगवान श्री राम जी अपनी जो है जन्मभूमि स्थापित होने जा रहे हैं और बहुत ही हर्ष का विषय है और सभी हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है ये क्या है हमारा नाम है सत्येंद्र सिंह मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ कैसे लग रहा आपको अरे बहुत अच्छा दिव्य अयोध्या भव्य अयोध्या और अब तो रोम रोम में राम है कण कण में राम है तो अब साबित हो रहा है हम लोगों को लग भी बाईस तारीख को प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से मनाएंगे पाँच साल बाद राम मंदिर में अरे गजब की मनाएंगे पूरे गांव भर जुट के मनाएंगे अब यहाँ तो नहीं आएंगे बाईस को लेकिन गांव में बढ़िया कार्यक्रम करेंगे पूरे गांव को जो है एक जगह इकट्ठा करके बढ़िया एलसीडी पे दिखाएंगे और उत्सव मनाएंगे दीपोत्सव होगा जैसे दीपावली से भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे कि हाँ लोग देखें कि हाँ कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में तो बिल्कुल हम लोग तैयार हैं लोग हैं सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे न्योता मिला पहले रो रहे थे कि न्यौता नहीं मिल रहा है फिर न्यौता मिला तो ठुकरा दिया भैया ये सब राक्षसी लोग हैं जैसे ना राम राम दरबार में कौन आएगा राम भक्त आएंगे ठीक है भगवान के दर पे कौन जाता है जिनके अंदर आस्था होती है ये लोग आस्थावान तो है नहीं ये वो असुर हैं नहीं जैसे जब हमारे ऋषि मुनि यज्ञ करते थे कोई अच्छा काम करते थे ये लोग विध्वंस डालते थे तो ये ऐसे आसुरी शक्तियाँ हैं ये आज कलयुग में भी हैं उसमें भी थी त्रेता में भी थी द्वापर में भी थे उसमें भी कंस थे तो ये सब उसी रूप में यहाँ भी विराजमान हैं लेकिन इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है सब बढ़िया सा हो रहा है और जनता सब देख रही है अब किसी कोई किसी के बरगलाने से बिल्कुल कोई बरगलाने से नहीं आने वाला हर जनता के पास सबके पास मोबाइल है सब सही जानकारी सबको मिल रही है तो सब संतुष्ट हैं और ये जितना एंटी बयान दे रहे हैं वो उनके गले की हड्डी बनता जा रहा है क्योंकि वो अभी 2024 में दिखाई देगा रिजल्ट तब ये कहेंगे अरे मशीनें फिर जो है जैक वो हो गई हाई जैक हो गई बस इतना रो पीट के फिर बैठ जाएंगे इसके आगे कुछ नहीं अब सब राममय है चलिए दोस्तों ये थी राम की नगरी अयोध्या से हमारी रिपोर्टिंग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या लगता है आपको जय हिंद जय जै भारत जय श्री राम